अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं सबक नंबर 2 अददों का इल्म। आज हम पढ़ेंगे छोटे बड़े के लिए अलामतों का इस्तेमाल। छोटा बड़ा अदद पहचानने के लिए हमें अलामत का इस्तेमाल करना होता है। ये अलामत देखिए, इसके अंदर छोटा और बड़ा हम जान सकते हैं। एक और तरीका है छोटा और बड़ा जानने के लिए, ये दिख रहा है जो मगरमच्छ का मुंह जिस तरफ खुला है वो बड़ा अदद, जिस तरफ बंद है वहाँ पर छोटा अदद। चलो आइए, हम देख रहे हैं एक जदूल। जदूल के अंदर कुछ अदद है, उसमें हमें छोटा और बड़ा अदद तय करना है। इसमें पहला अदद है 9 और 5। 9 और 5 में कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है, तो हम 9 लिखेंगे, बड़ा अदद में 9 लिखेंगे। और छोटा अदद कौन सा है? 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। इसमें दूसरा अदद है 56 और 68। 56 और 68 में कौन सा बड़ा है? तो हम इसलिए दाई के मुकाम पर जो अदद बड़ा होगा वो देखेंगे। तो इसके दाई के मुकाम पर 5 है और एक के दाई के मुकाम पर 6 है, तो कौन सा बड़ा है? 6 वाला, यानी 68 बड़ा है। तो हम बड़ा अदद कौन सा लिखेंगे? 68, और छोटा अदद 56। इसके आगे का अदद है 23 और 45। 23 और 45 के अंदर कौन सा अदद बड़ा है? 45, तो हम बड़ा अदद में लिखेंगे 45 और छोटे अदद में लिखेंगे 23। अब हमको अलामतों का इस्तेमाल करना है। देखो, हमारे पास कुछ अदद है, उसको हम अलामत के ज़रिए वाज़े करेंगे। हमारे पास पहला अदद है 12 और 20। उसमें 20 अदद बड़ा है, तो हमें अलामत की खुली तरफ 20 लिखना है और बंद तरफ 12। और दूसरा अदद लिखा है 54 और 23। 54 और 23 में कौन सा बड़ा है? 54, तो अलामत की खुली तरफ हमें 54 लिखना है और बंद तरफ 23। इसके आगे हमारे पास अदद है 50 और 110, तो इसके अंदर 110 बड़ा अदद है और 50 छोटा, तो हमें अलामत की खुली तरफ 110 लिखना है और बंद तरफ 50। तो इसी तरह से हम अलामतों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देख रहे हैं चढ़ती उतरती तरतीब। पहले हम देखेंगे चढ़ती तरतीब। चढ़ती तरतीब में हमें क्या देखना है? चढ़ती तरतीब में ऐसा होता है कि हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। ये हमारे पास एक सीढ़ी है, इसमें हमें चढ़ती तरतीब देखना है। जैसे पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम क्या कर रहे हैं? छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ये है चढ़ती तरतीब। और उतरती तरतीब में हमें क्या करना रहता है? इसके ही उलट, हमें बड़े से छोटे की तरफ आना होता है। देखो, ये सीढ़ी, इसके अंदर हमें ऊपर से नीचे आना होता है। जैसे 6, 5, 4, 3, 2, यानी बड़े अदद से छोटे अदद की ओर आना होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ अदद है, जैसे 11, 9, 25, 30 और 15, तो हमें क्या करना है? इन सबको चढ़ती तरतीब में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा अदद होगा? 9। फिर उसके बाद उससे बड़ा अदद कौन सा रहेगा? 11। फिर उससे बड़ा अदद कौन सा रहेगा? 15। फिर उससे बड़ा अदद कौन सा रहेगा? 25। और आखिरी में 30। इसको हम चढ़ती तरतीब कहेंगे, यानी छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ। और इसके हमको उतरती तरतीब देखना है, तो हमें इस कैसा देखेंगे? सबसे बड़ा अदद देखेंगे। सबसे बड़ा अदद कौन सा है इसके अंदर? 30। उससे छोटा कौन सा है? 25। उससे छोटा कौन सा है? 15। उससे छोटा कौन सा है? 11। और आखिरी में 9। ये है उतरती तरतीब। उतरती तरतीब में हमें क्या करना होता है? बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ आना होता है, इसके हम उतरती तरतीब कहते हैं।